यहाँ फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पैतरा मारती हुई संध्या जी। हेलो एवरीवन, जहिया से देख लो सजन तो के मौत आए, जहिया से देख लो तो के नान लड़ी गिल रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नीतीश और ये हमारे दोस्त है चंद्रशेखर। हाय। सो दोस्तों, आज हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे जगह पे जहां आपका व्यू बहुत अच्छा है, जहां से आपको पूरा एयरपोर्ट का रनवे दिखेगा। तो एक्साइटेड है? बिल्कुल। और आज हमारे साथ और भी कोई जो गेस्ट है जो हमें ज्वाइन करेंगी, तो वो हमारा इंतजार कर रही है। और अभी हम लोग हिनू चौक के पास में है और जो रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे हैं वो बिरसा चौक से हिनू चौक के बीच में है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, जो रेस्टोरेंट हम लोग आज आपको लेके जा रहे हैं वो भी बिल्कुल नई रेस्टोरेंट है। और आपको पता है कि नई जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और आपको वो जगह बताते हैं। तो अभी तक मेरा भी वहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, आज पहली बार हम लोग जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं कि कैसा लगता है। और वहाँ से फ्लाइट्स जो है ना वो बहुत सामने होती है, बहुत नज़दीक से टेक ऑफ करती है, तो उसका भी नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और चंद्रशेखर बहुत एक्साइटेड है, तो चलिए अब डायरेक्ट आपको मिलके वहाँ पे बताते हैं कि कौन आ रहे आज हमारे गेस्ट। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, फेमस भी हैं, जिनसे आज हम लोग आपको मिलाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारा खाना होगा। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा चेहरा देख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा शेखर? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचे हैं बिरसा चौक और ये है बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा। और ये हमारे चंद्रशेखर ड्राइविंग करते हुए। और देखो, हम लोगों का जो रेस्टोरेंट है यहीं पे है, पास में ही है, इधर हवाई अड्डा भी है, तो फ्लाइट्स बहुत सारी आपको दिख जाती हैं यहाँ पर से। सस्ता साड़ी केंद्र। और हमारा रेस्टोरेंट कहाँ गया? पता है, हवाई अड्डा के होने के कारण ना यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं होता है, बहुत सारे नज़दीक नज़दीक वाले। और ये देखो जी, हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग आज आ रहे हैं, स्काई डाइन, आपको दिख भी रहा होगा, जो कि रूफ टॉप है। थोड़ा सा पार्किंग का यहाँ पे शेखर को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट रोड में ही है रेस्टोरेंट, है ना शेखर? बिल्कुल, पार्किंग के लिए कोई मतलब डेडिकेटेड स्पेस नहीं है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं गाड़ी कहाँ पार्क करना है, उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं आपको लेके इसके सेकंड फ्लोर पे, स्काई डाइन। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये जगह कितना खूबसूरत है। और ये तो इसका इंडोर है, तुम्हें पता है शेखर, इसके ऊपर में भी बहुत अच्छा रूफटॉप है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आज हमारे कुछ गेस्ट से मिलाते हैं जो कि आज हमारे फूड पार्टनर हैं। तो तुमको पता है कौन आने वाले हैं? नहीं, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत हिंट्स पता चल गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग उनसे मिलाते हैं आपको, और अभी वो जस्ट आने वाले हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही
फेमस पर्सनालिटी लोग आए हैं और ये है रोहित। हेलो रोहित, वर्षा एंड संध्या जी। जोहार झारखंड। और ये है शेखर, हमारे मित्र जिनसे आप थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं। तो आज के जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि संध्या जी जो हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं और इनकी जो सिंगिंग का जो जर्नी है मुझे लगता है लॉकडाउन में शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ मतलब कि हमने देखा कि इनका जो सॉन्ग है यूट्यूब पे 43 मिलियन जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया आपके गाने को, तो कैसा लगता है आपको? पहली बात तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा गाना 43 मिलियन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन लोगों ने मेरे गाने को इतना ज़्यादा प्यार दिया तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। इससे पहले कि हम लोग आपका जर्नी जाने, सबसे पहले कुछ लाइन आपके वो फेमस गाने का प्लीज सुना दीजिए। मिले अबु कहले, मिले अबु कहले, मिलबो नी कर ले, आसा तुर देखी के, नैना मुर थक गेल सजना, ओ सजना। जहिया से देख लो सजन तो के बोय तो आए, जहिया से देख लो तो के नान लड़ी गेल रे, फेसबुक में देख के तो के मोय चाहलो, पीछा तुर कर के तो के पटालो, सजना ओ सजना। जहिया से देख लो सजन तो के मोय तो रे, जहिया से देख लो तो के नान लड़ी गेल रे। ओ So, दोस्तों आपने सुना होगा ये गाना, आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने 43 मिलियन, राइट? तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग खूब सारा खाना खाएंगे, तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग क्या क्या मंगाते हैं। और वर्षा मैडम हमारे साथ है, रोहित हमारे साथ है, शेखर है, तो अभी हम लोग सारे लोग इन्हीं लोगों को आज बताना है। मैं तो बस पूछूंगा बस इस सबसे कि खाना यहाँ का कैसा लग रहा है। तो रेडी है सब कोई? हाँ जी। तो दोस्तों अभी एक फ्लाइट टेक ऑफ लेने वाली है तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए, है ना? तो चलिए, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको खूब सारी फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। और इधर देखो हमारी मैया, तो वर्षा मैया। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और सामने एक बहुत सुंदर सा नजारा है, खुला आसमान और खुला ग्राउंड भी है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। रोहित चले ऊपर, तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग फ्लाइट्स देखेंगे बहुत नजदीक से। एक सीढ़ी और चढ़ना पड़ेगा, चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स अभी अभी यहाँ पे एक फ्लाइट लैंड होने वाली है तो अभी हम लोग बहुत पास से फ्लाइट को देख पाएंगे। और ये लोग सारे लोग कैमरा लेके खड़े हैं क्योंकि फ्लाइट बहुत नजदीक से क्रॉस होगी। फ्लाइट आने वाली है, रेडी? ये रही फ्लाइट, आवाज आ रही है, हाँ आ गया। बहुत सामने, एयर एशिया। अच्छा था ना, ऐसा लगा जैसे पहली बार देखे। हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि पहली बार देखे हैं टाइप का। बहुत पास से। सो फ्रेंड्स ये है यहाँ का रूफटॉप और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा है जो कि हमारे बहुत सारे इसमें भी सब्सक्राइबर दोस्त लोग हैं। तो सो फ्रेंड्स देखो यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हाय, हेलो एवरीवन, आप लोग हमारा चैनल देखते हैं? ये देखते हैं ना, आप भी देखते हैं? तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है सृष्टि का। हैप्पी बर्थडे सृष्टि। तो देखो सारे ग्रुप में यहाँ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
संध्या जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भूख लग रहा है? भूख लग रहा है। भूख लग रहा है? क्या हाल है? अब तो उनको इधर भी अंडा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्कैनर है और स्कैन कीजिए और ऑर्डर कीजिए, फटाफट से हम लोग का खाना आ जाएगा। मुझे अंडे के जैसा दिख रहा है। क्या ये नमक रखने वाला है? यहाँ वर्षा मैया फूड ब्लॉगिंग कर रही है। हाँ, और हमारा खाना अब आने वाला है। देखो क्या आया है। आखिरी पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। और देखो भाई, गर्मा गर्म खाना आ गया है। संध्या, ये क्या हो रहा है? यार धुआं निकल रहा है। आपकी वजह से आग लग गया क्या? पता नहीं। ये है सीजलर। हेयर स्टाइल चेंज करते हुए यहाँ पे संध्या जी पकड़ी गई हैं। जनता जवाब चाहती है, कितना फोटोग्राफी क्यों? क्योंकि इतना सारा खाना है और जो बहुत लजीज दिख रहा है। लजीज दिख रहा है। चलिए शुरुआत किया जाए। पैतरा मारती हुई संध्या जी और भूख से तड़पते हुए शेखर। मैचिंग। हाँ, ये मैचिंग। तो चलिए पीजिए। काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। रिफ्रेशिंग लग रहा है? Exactly. आप झूठ बोल रही हैं क्या? No. सच में? अरे वाह, देखने में भी ठीक लग रहा है। हाँ। तो आज हमारे साथ में है फेमना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की। क्लैप। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मेरे को खाने की ज्यादा खुशी है। तो आज आप वेज खाना खाएंगी? यस, कंप्लीट वेज। अच्छा, आप दोनों की मित्रता के बारे में हमें बताओ। आपकी मित्र संध्या जी हमारे साथ में है। ये मेरी काफी देर से आपका इंतजार भी कर रही थी। अरे, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, ये प्यार है आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? डांटने के बाद प्यार आता है। अभी खाना खा के शायद मूड फ्रेश हो जाए। नहीं, भूख लगा इसको। भूख लगा। एक्चुअली ना, हम लोग ना एक घंटे से वेट कर रहे हैं। मैंने अभी कॉल किया था आपको। चलिए भाई, सर्व कीजिए, नहीं तो हम लोग खुद से ले लेंगे। मैम को सर्व कीजिए पहले। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारे सारे फूड पार्टनर लोग बैठे हुए हैं। हेलो, एंजॉयिंग द एम्बियंस एंड फूड? ऑफ कोर्स, आई एम लविंग इट। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली मैं चिकन नहीं खा पा रही हूँ, बट आई एम स्टिल हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद द वेज। अच्छा, स्टिल हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद द वेज फूड। यस, सीजलर्स। संध्या जी, क्या कहना चाहेंगे आप? खाना बहुत ज्यादा लजीज है। लजीज है? ओह माय गॉड, लजीज। वर्षा मैया, स्वाद लगलग? मुरुक लगलग। तो सारे लोग, और देखो फ्रेंड्स सामने का व्यू दिखाते हैं, काफी सही है। और इधर आप लोगों को कैसा लगा खाना? खाने में हाय, कैसा है फूड? फूड इज वेरी टेस्टी। टेस्टी?
चंद्रशेखर, और ये हमारी टेबल, ये मैं हूँ, यहाँ फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की है, और हमारी पार्टी हो रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे साथ आज फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की हैं, और अभी अभी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आपको कैसा लगता है मतलब इस मुकाम पे पहुंच के? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि फाइनली ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है, बट आई एम सुपर हैप्पी। अभी कुछ दिन पहले आप हमारे सीएम से भी मिली थी, कैसा था उनसे मिलने के बाद अनुभव? जी, तो ऐसे मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं ऐसे कोई इंसान से मिल रही हूँ जो कि इतने बड़े पोजीशन में है, क्योंकि जिस तरह से उनका फ्रेंडली बिहेवियर था। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उनके बहुत सारे प्लान्स हैं रिलेटेड टू यूथ, ठीक है, उनको कल्चर और ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जिस तरह से वो डिस्कस कर रहे थे कि उनका फर्दर प्लान्स क्या है, तो आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। बहुत अच्छा लगता है, और मतलब कि बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपसे, और आपके बाद जितने भी यूथ लड़कियां हैं उनको भी बहुत इंस्पायर किया है आपने कि वो लोग भी उस लेवल तक जा सकती है, कम्पीट कर सकती है। तो वहाँ पे जैसे फेमिना मिस इंडिया का जो कंपटीशन था वहाँ पे कैसा था अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर कीजिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज मैं उनसे हुई थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले जो कंट्री स्टेट्स की जो लड़कियाँ थी उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हुई थी। एंड यू ऐसे कि हम लोग अभी यहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैं ये भी बताऊँगी कि मैं नॉर्थ ईस्ट का जो फूड है वो बहुत कुछ मैंने वहाँ पे टेस्ट कर लिया। मैंने सुना आप बहुत फूडी हो ना? याद है, फैक्ट मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट लोगों का खाना ना थोड़ा ड्राई, जैसे नॉन वेज हो गए, श्रिम्स हो गए, फिशेज हो गई, और जो हम लोग यहाँ पे करिल बोलते हैं ना, मैंने जी बास का करिल जो होता है वहाँ पे, एक मेरी कंटेस्टेंट की कंटेस्टेंट थी, उन्होंने मुझे करिल का पिकल टेस्ट करवाया था। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत एक्सपीरियंस की वहाँ पे। आई थिंक ऐसे आपको पर्सनली खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे सिर्फ चिकन नहीं, और मैंने नोटिस किया कि जैसे आप बात करती हो, जैसे आप रहती हो, जैसे आपका लाइफस्टाइल है बहुत नॉर्मल है, बहुत जो एक झारखंडी लड़की का होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं मिस झारखंड हूँ तो बहुत ज़्यादा हाई फाई एंड थोड़ा सा वो नहीं, आपके बात करने में। और मुझे लगता है ये जो ब्यूटी पैजेंट जो होती हैं उनमें यही चीज़ देखा जाता है, बस आपकी इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि पहले दिन जब मैं यहाँ पे आई आफ्टर विनिंग मिस इंडिया झारखंड का टाइटल, और मेरा मिस इंडिया का जो जर्नी कंप्लीट हुआ, मेरा जैसे वेलकम हुआ एयरपोर्ट में, और हम लोग ने सब मिल के डांस किया। एंड आई थिंक जितना हम अपने रूट्स से जुड़े रहते हैं ना, उतना ज़्यादा मेरे को लगता है वो रूट्स के कारण ही मुझे आज इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। हर घर में सब कोई मुझे जानते हैं कि इतने बड़े मुकाम पर जाने के बाद भी स्टिल मैं ग्राउंडेड हूँ और अपने कल्चर को चेरिश करती हूँ। आई थिंक वही तो, मतलब कि जिस तरह से आप रहते हो, बात करते हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, बहुत रूटेड, बहुत झारखंडी कल्चर को प्रमोट करना। तो फ्रेंड्स ये है रिया तिर्की, अभी इनके साथ हम लोग बहुत सारे फूड एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा ये स्पेशली ये प्लेस, आप कैसा लगा? जी मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं हमेशा यहाँ से आना जाना करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा प्लेस एक्चुअली हिडन था यहाँ पे। ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि आपने मुझे बुलाया, एंड संध्या एंड नितीश, सीरियसली ये अभी हम लोगों का फर्स्ट है फ्रेंड्स। अभी मिस रिया तिर्की से हम लोग फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ झारखंडी खाने को प्रमोट करेंगे। और फिलहाल तो ये एक कैमियो या कह सकते हैं कैमियो। तो फिलहाल हम लोग फूड एंजॉय करते हैं, और अभी बहुत सारा खाना बाकी है। तो हमारे सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक के लिए बोल दीजिए, आप बोलेंगे तो जरूर करेंगे। मैं अपने सारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप मेरी सेल्फ क्विजिंस को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर करते रहिए बस। अब मुझे लगता है मैंने जब आपसे बात किया, मैंने आपको इनवाइट किया, तो आपने बोला कि आप पहले भी मेरे चैनल देख चुके। जी मैं पहले देख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कहीं मैं हमेशा एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि कौन से नए प्लेसेस हैं यहाँ झारखंड राज्य में। तो आपका पेज सबसे पहले पॉप हुआ था जब मैंने यूट्यूब में चेक किया था, तो इसलिए फिर आपका पेज मैंने बहुत बार फॉलो किया हुआ है। ओके, आई न्यू यू कि हाँ ऐसा कुछ है। फाइनली जब आपने कॉल किया कि हमें कुछ करना है ना, लाइक चलो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे, और ये है एक छोटी सी वीडियो जहाँ हम लोग अभी शाम का इवनिंग स्नैक्स ट्राई कर रहे हैं, साथ बाकी सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग चलिए खाते एंजॉय करते हैं। थैंक यू, ठीक है।